Hello kids, how are you all? Welcome back to your maths class. Kids, today ma'am is going to start with chapter number 14 of your maths and this is chapter 14 ki first class. So what will we read in this chapter? Our name is Measurement of Capacity. Capacity ko measure karna, uska hi measurement dekhna hai, ki humne kaise measure karte hain. Theek hai? The quantity that any container can hold is called its capacity. Koi bhi container कितनी capacity hold कर रहा है उसको ही कहते हैं capacity कि कितनी वो चीज quantity contain कर रहा है ठीक है उसे capacity भी कहते हैं and उसको ही volume भी कहते हैं. The standard units to measure capacity are liter and milliliter. ये किस में नापी जा सकती है liter में या फिर milliliter में. Liter is the bigger unit while milliliter is the smaller unit. Here are given some vessels which we use to measure petrol. क्या होता है? लीटर में चीजें को मेजर करा जाता है, लिक्विड चीजें जो होती हैं, उन्हें लीटर्स में या मिलीलीटर्स में करा जाता है, ठीक है? जैसे कि वाटर है, पेट्रोल है, ये सब चीजें क्या हैं? लीटर और मिलीलीटर. Like आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स लेते हो, तो वो ये पूछते हो ना कि ये कितने ml की है, या कितने लीटर की है, या कितने मिलीलीटर. मिलीलीटर वही होता है ml. मिलीलीटर को लिखा जाता है ml से और लीटर को लिखा जाता है l से. ठीक है तुम जब कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं हम भी पूछते हैं भैया ये कितने लीटर की है 2 लीटर की है 2.5 लीटर ऐसे बोलते हैं ना और फिर या फिर ये 40 ml की है कितने ml की है पूछते हैं. तो अब यहां पे क्या है ये कुछ कंटेनर्स है जिसमें हम ऑयल मेजर करेंगे. तो ये होता है 1 लीटर का कंटेनर, ये होता है 500 मिलीलीटर का, ये होता है 200 मिलीलीटर का, ये 100 मिलीलीटर एंड ये है आपका इट इज नॉट क्लियरली विजिबल लिक्विड and it is of 50 ml, 50 milliliters ka oil. Aur 1 kg mein jaise 1000 grams hote hain, aise hi 1 liter mein 1000 milliliters hote hain. Theek hai? To yahan pe aapke paas given hai, liter is denoted by L, liter ko L se denote kara jata hai, aur milliliter ko kara jata hai ml se. We measure dose of medicine in an injection, tonic, oil, ketchup, etc. in milliliters. And the quantities like milk, water, ghee, oil in tankers, etc. are measured in liters. जैसे कि एक injection में, जब हमें injection लगता है, वो एक दवाई को डालते हैं ना injection में, तो वो किस चीज़ में नापी जाती है? Milliliters में. क्यों बहुत छोटी quantity होती है, जो थोड़ी-थोड़ी quantity होती है, उन्हें नापा जाता है milliliters में, और जो बहुत बड़ी-बड़ी water tankers, जो tank में पानी होता है, वो liters में नापा जाता है, milliliters में नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा होता है. ठीक है तो ज्यादा क्वांटिटी मेजर करी जाती है लीटर्स में, स्मॉल क्वांटिटी मेजर करी जाती है मिलीलीटर्स में. चलो आते हैं अब नेक्स्ट पेज पर. दिस इज डैश लीटर या मिलीलीटर. अब आपको ये चीजें बतानी है कि ये लीटर्स में मेजर होंगी या मिलीलीटर्स में. अब लाइक ऑयल है, आपको पीछे ये चीज गिवन भी थी, देखो कि क्या-क्या चीजें लीटर्स में मेजरमेंट होगी और क्या-क्या मिलीलीटर्स में. तो आपको क्या-क्या लीटर्स में होगा वो यहां पे गिवन है कि डोज ऑफ मेडिसिन, टॉनिक, ऑयल्स, केचप ये सब होता है मिलीलीटर्स में और वाटर, मिल्क, घी ये सब होता है लीटर्स में. तो ये क्या है इंजेक्शन वाला, तो ये किस में होगा मिलीलीटर्स में. ठीक है एंड अब नेक्स्ट पे क्या है ऑयल, ऑयल किस में होता है लीटर्स में. देन अगेन ऑयल बट ये क्या है स्मॉल क्वांटिटी में, तो ये होगा मिलीलीटर में. देन मिल्क, मिल्क तो ज्यादा क्वांटिटी में होगा ना, तो लीटर्स में. देन पेंट बॉक्स, पेंट का जो होता है तो ये लीटर्स में होगा. देन वाटर बॉटल, ये स्मॉल वाटर बॉटल है तो ये मिलीलीटर में होएगी. ठीक है नेक्स्ट, अब बस हमें अभी के लिए इतना ही सीखना है, बाकी हम addition of capacity volume ये हम करेंगे next class में. ठीक है तो अभी के लिए आपको क्या सीखना था कि milliliters क्या होता है, liters क्या होता है और 1 liter में कितने milliliters होते हैं 1000 milliliters. Liters use होता है जब हमें एक ज़्यादा चीज़ की ज़्यादा capacity की हमें measurement करना होता है और milliliters use करते हैं जब हमें small quantity की measurement करनी होती है. समझ आ गया, मिलते हैं next class में. Bye bye, thank you.